हेलो एवरीवन टीचिंग ब्यलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे आज पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम जानेंगे नाइडेरिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जी हाँ हम बात कर रहे हैं सिलेंटेटा की जिसको नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे जो बैरनिस था बैरनिस ने ये टर्म को कॉइन किया था नाइडेरिया टर्म को कॉइन किसने किया था बैरनिस ने स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स को हम क्या कहते हैं नाइडोलॉजी ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो है इस नेम को नाइडोब्लास्ट सेल्स की वजह से नाम दिया गया है क्योंकि इनके अंदर होते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स सिलेंट्रेटा जो है ये नेम सिलेंट्रॉन कैविटी जो है सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से भी दिया गया है ठीक है नाइडेरिया द्वज़ से दिया गया है नाइडोब्लास्ट सेल्स की वजह से सिलेंट्रेटा दिया गया है प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से और जो हाइड्रा होता है ये सोलिटरी और फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा है ओके हाइड्रा की बात करें हाइड्रा एक एंड नोन एज फ्रेश वाटर पोलिप हाइड्रा जो है ये डिप्लो ब्लास्टिक और रेडली सिमेट्रिकल है डिस्टल एंड जो हाइड्रा का होता है उसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम्स। प्रोक्सिमल एंड जो होता है उसको कहते हैं बेसल डिस्क माउथ जो प्रेजेंट होता है बट एनस जो है वो एबसेंट होती है सिलेंट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज गैस्ट्रो वेस्कुलर कैटी सेल जो है वो डिफ्रेंशन करता है और फिजोलॉजिकल डिवीजन होती है ऑफ लेबर इन डिस्टिंकट इन हाइड्रामे डाइजेक्शन की बात करें वो एक्स्ट्रा सेर होती है एज वेल एज इंट्रास्लर भी होती है तो देखिए जो रेस्पिरेटरी uh, ऑर्गन होते हैं या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रेस्करेटरी ऑर्गन्स ये तमाम क्या होते हैं ये एबसेंट होते हैं ठीक है थीके? एपिडर्मस या गैस्ट्रोडर्मस जो है वो सेलुलर uh, लेयर होता है सेपरेट करता है बाई मिसोगिया ठीक है अब पूछा जाता है कि मिसोगलिया किससे कहते हैं मिसोगिलिया का क्या फंक्शन होता है ठीक है ये एपिडर्मस एंडर्मस गैस्ट्रोडर्मस ये होते, लेयर जो होती हैं इनको सेपरेट करता है मिसोगुलिया मैसोगलिया जो है ये एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जो सेप्रेट कौन करता है एक्टो एंड एंडोडोम बोथ करती हैं एटोडोमी करती है और एनोडोमी करती है और जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एपीडोमस के अंदर ही पाए जाते हैं और जो नाइडोब्लास्ट होते हैं ये सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल क्या बोलते हैं नाइडो सेल्स आर ऑलसो नोन एज स्टिंगिंग सेल्स आर निटल सेल्स आर निमेटोसिस्ट बेरिंग सेल्स ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद करना है लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट जो होता है पेनीट्रेंट ओके समॉलेस्ट निमेटोसिस्ट होता है स्टीरोन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके और अगर हम बात करें जो कोयलिंग है, बोलते हैं वोलवेंड को नर्वस सिस्टम जो है डिफ्यूज होता है न्यूरॉन्स आर ए पोलर आर नॉन पोलर एंड ब्रेन जो है वो एबसेंट होता है ठीक रिप्रोडक्शन अगर हम हाइड्रा की बात करें ए होती है और सेक्चुअल भी होती है दोनों होती है पावर अगर देखा जाए रिजनरेशन पावर ये हाइड्रा के अंदर देखी गई है और जो स्टडी किसने किया है ए ने जम्प सेल्स की बात करें ये प्रेजेंट होता है एपिडामस के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है इज क्रॉस टाइप और एक्सटर्नल इन हाइड्रा क्लीवेज जो है होलो एंड इक्वल भी होती है डेवलपमेंट जो है हाइड्रा इज़ वो डायरेक्ट होती है जो भी नाइडेरियन से वो एक्वेटिक होते हैं टिश्यू ग्रेड इज प्रेजेंट इन नाइडेरिया नाइडेरिया के अंदर टिश्यू ग्रेड प्रेजेंट होती है सेगमेंटेशन जो है वो एप्सिड होती है हाइड्रा के अंदर ओबीलिया की बात करें वो ट्राई एंड मैरिन कॉलोनी में रहते हैं प्लेन लार्वा जो है वो फॉर्म डोरिंग लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया ग्रोथ जोन इन हाइड्रा इज बिलो द हाइपोस्टोम एंड टेंटिकल्स सडन कंट्रैक्शन इन हाइड्रा इज ड्यू टू एपीथिलियल मस्कुलर सेल्स ऑफ एपिडर्मस तो इसके बाद क्या है गेस्ट्रोला जो होता है ना गेस्ट्रोला अगर हम हाइड्रा की बात करें ये फॉर्मिड बाई डीलेमिनेशन पूछ सकते हैं ना

ये डायलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ पे होता है टीनोफोर्स यूजुअली अरेन्ज होते हैं एट मेरेडिनल रोज यूजफुल इन लोकोमोशन के लिए ये काम आते हैं ओके हाइपोस्टोम जो होता है ओरल औरलकोन और एंटीरियर डिस्टल एंड ऑफ हाइड्रा माउथ जो है वो सिचुएटेड होता है एट द एपेक्स एंड टेंटिकल्स आर अरेंज्ड अराउंड इट्स बेस उसके बाद है जी मेसेंट्रीज क्या होती हैं ये वर्टिकल रेजेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिवाइड करते हैं सिलेंट्रॉन इनटू चेंबर ये पॉइंट भी आपको नोट करना है ओके मेनुब्रिम जो होती है इज नेक लाइक स्ट्रक्चर पूछा जाए अगर मैनुब्रिम क्या होता है ये एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता अ रेक्टिकुलर माउथ इन मेडूसा ऑफ ओबिलिया समझिए अब अब जो है ये रेडोमेंट्री फोल्ड प्रोड्यूस्ड इन वेडली फ्रॉम एज ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा नेम सिलेंट्रेट वाज किसने कोइन किया था ल्यूकट ने ल्यूकट ने सिलेंट्रेट का नाम जो है उसको कोइन किया था एनिमल नेचर ऑफ सिलेंट्रेट वॉज एस्टेब्लिश आई पर्सनल ठीक है ना बाय पर्सनल कि पर्सोनल ने बताया जब लिक्वट ने नाम इसका कॉइन किया उस टाइम ये बातें हो रही थी कि ये शायद प्लाट्स हैं ठीक है ना क्योंकि जस्ट प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उनको मिले थे बट आ, आफ्टर आ, सम टाइम्स जो पर्सोनल पर्सोनल थे उसने देखा उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये इनका जो है नेचर जो है वो एनिमल है पैरासाइटिक हैबिटेट इज एबसेंट इन सिलेंट्रेट ये बात याद रखना कि जो पैरासाइटिक हैबिटेट एबसेंट होती है सिलेंट्रेट्स के अंदर मेड्यूसा एंड लार्वल स्टेज आर मोटाइल इन सिलेंट्रेट एंड हेल्प इन डिस्पर्सल मेड्यूसा और लार्वल स्टेज यह क्या होता है मोटाइल होता है सिलेंट्रेट के अंदर और हेल्प करता है डिस बडिंग टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन इन सिलेंट्रेट्स नाइडोब्लास्ट सेल्स आर एबसेंट इन टीनोफोर्स एक्सेप्ट इन यूक्रा ठीक है ना कारल एनिमल्स जो है नॉर्मली ग्रो करते हैं वार्मर सी वाटर में और फ्रिजिंग रीफ्स जो हैं फार्म एट लो डेप्थ ऑफ द सी बैरी रीफ्स इज लोकेट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन दैसिफिक ओशंस इट एक्सटेंड्स अपू हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड किलोमीटर और बैरी रीफ जो है ये फार्म अवे फ्राम सी कोस्ट ये भी आपको याद रखना है एटॉल रीफ जो है इज फार्म हाई डेप्थ ऑफ द सी टेनोफोर्स जो हैं एग्नेडेरियंस इनको कॉमनली कहते हैं कॉम जेलीज सी वॉलनेट्स और गूस बैरियर्स तो आप समझ गए कि गूस बैरियर्स कॉम जेलीज सी वॉलनेट्स ये क्या हैं ये एक्नेडेरियंस हैं ठीक है टेनोफोर्स के अंदर आते हैं और जो भी टेनोफोर्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक बाई रेडिली सिमिट्रिकल होते हैं और बाई एनिमल्स होते हैं जो है, uh, है इनके क्या होती है टिश्यू ग्रेड सिस्टम होता है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है सर्व द पर्प ऑफ डाइजक्शन एंड सर्कुलेशन इन सिलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या करते हैं सरो डाइजेक्शन और सर्कुलेशन का सिलेंट्रॉन्स में माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम आर एंड आल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ इजेक्शन इजेक्शन का काम भी करता है और जो माउथ होता है ये हाइपोस्टोम्स या हम कह सकते हैं मानुब्रियम ठीक है फर्स्ट डेवलप इन सिलेंट्रेट स्टेटोसिस्ट और टेंटेक्लोसिस्ट बैलेंसिंग फंक्शन इनका होता है ओके okay? उसके बाद ये इंटरेस्ट्रियल सेल्स ऑफ सिलेंट्रेन जो होते हैं ये मास्टर सेल्स uh, इनको हम कहते हैं टोटी पोर्टेंट सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं एनी टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी टेंटिकल्स हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग के लिए लोकोमोशन के लिए बोथ दोनों काम करते हैं पॉलिप की बात करें न्यूट्रीटिजॉइट्स इट इज एस्ट्रेक्चर्ड और फिक्सड होती है मेडोसा जो होता है सेच्योजॉइट फ्री स्विमिंग होता है निमेटोसिस्ट uh, की बात करें फॉर्मिट बाई इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफ एटोडोम विच माइग्रेट करता है इन गैस्ट्रोडर्मल पार्ट फॉर न्यूट्रेशन एंड डिस्पर्सल फूड वैक्यूल्स की बात करें ये फाउंड होते हैं ऑन मस्कूलो न्यूट्रीटिव सेल्स एनिमेटोसिस्ट डिस्चार्ज कर ऑनली वंस इन हाइड्रा एंड सिलेंट्रेट्स स्ट्रेप्टोलिन ग्लूटिनेट्स ये लार्ज ग्लूटिनेट्स होते हैं जिनको कहा जाता है होलोट्राइचस एसोरिज उसके बाद होता है स्टीरोलिन ग्लूटिनेट्स जो होते हैं आ, ये स्टीरोप्टोलिन जो है ये लाज होता है स्टीरोन जो है ये इस्तेमाल होता है इसको हम कहते हैं एट्रीच आइसोरिजा हाइड्रा जो है इसके अंदर नीरो मस्कुलर सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स ऑफ हाइड्रा जो है वो अनपोलराइज नॉन पोलर ए पोलर एंडफॉर्मलिक्स नरो विच आर टू इन चेम्बर्स मस्कूलो लिट्रीटरी सेल्स जो हैं अराउंड द माउथ एक्ट एज ये क्या एक्ट करते हैं सिपिंगटर क्या एक्ट करते हैं सिपिंक्टर एक्ट करते हैं और जो मस्कुलो न्यूट्रीट सेल्स हैं बिकम हाईली वैक्यूलेटेड कब स्टार के टाइम हाइड्रा जो होता है कॉर्निवर्स है मोस्ट फेवरेट फूड है डेफिया की वाटर फ्ली की फ्लाई फ्ली जो होता है इसकी बेस्ट जो फूड है फेवरेट फूड वो क्या है हाइड्रा और फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ हाइड्रा जो है उसको कहते हैं सुमर सल्ट क्या बोलते हैं सुमर सल्ट बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है आपको यहाँ से मिलेगी ठीक है मूविंग विदिकल्स इज इनवर्टेड कंडीशन इज नोन एज वॉकिंग और कटल ए, कटली फिश मूवमेंट कहते हैं और भी बात करें हाइड्रा की वो प्रेजेंट होती है प्रोजिबल पार्ट हाइड्रा कैन डिजेस्ट ऑल बट नॉट स्टार्च ड्यू टू एबसेंस ऑफ एमाइलेस इन्जैम्स हालांकि हाइड्रा जो है सब कुछ डिजेस्ट कर सकता है बट स्टार्च नहीं कर सकता क्योंकि एमाइलेस इन्जैम की वहाँ बहुत कमी होती है इसी वजह से गुनाट जो है फार्म होते हैं हाइड्रा के अंदर टम्परेरी इन ब्रीडिंग सीजन फ्राम इंटर इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफ एपिड ये भी देखो किस सेल्स से हो रहे हैं टेस्ट जो है हाइड्रा के मेनी होते हैं इन डिस्टल पोजिशन पे होते हैं नंबर ऑफ इन हाइड्रा टेल्व होते हैं ओबिलिया एंड ओरिलिया शो करते हैं अल्टरनेशनल जनरेशन इन फिनोमनाटाजेंसिस मेन स्ट्रीम ऑफ ओबिलिया को हम कहते हैं स्टोलोन स्टोलोन क्या होता है इज इन नाइडेरिया तो आप कह सकते हैं ओबिलिया के जो मेन स्ट्रीम होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोलोन जो गाइज हाइड्राइजर विच आर अटैच टू सबस्टेटम। उसके बाद है जी लिविंग लेयर ऑफ़ ओबिलिया कॉलोनी जो होती है इसकी लिविंग लेयर जो है। ओबिलिया की लिविंग कॉलोनी जो है उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग लेयर जो होती है, ओबिलिया की कॉलोनी की उसको हम कहते हैं पेरिसोक ठीक है सीनोसॉक कंसिस्ट uh, करता है एक्टोडोम एंडोडोम मिसोगलिया हाइड्रेंथ ऑफ ओबीलिया बेर करता है ट्वेंट ट्वेंटी फोर टेंटिकल्स मेडोसा जो होता है ओबीलिया का ये बेयर करता है सिक्सटीन टेंटिकल्स और एक करता है टेंटोक्लोसिस्ट अब ब्लास्टो जो होता है ये जवाइड होता है विदाउट माउथ और विदाउट टेंटिकल्स होता है स्टाइटोसिस्ट अगर ओबीले की बात करें उनको हम कहते हैं लिथोसिस्ट इन और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन नाइडोब्लास्ट जो होते हैं ओबीलिया के उनको हम कहते हैं बेसी ट्राइकोस आइजोरिजा और अगर यूरिया की बात करें जो नाइडोब्लास्ट होते हैं उनको हम कहते हैं हटिरो ट्राइकस आइजोरिज़ा पहला जो स्टेज होता है लारवा का यूरीला का उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्यूबा सेकेंड स्टेज जो होता है लारवा ऑफ यूरीला उसको हम कहते हैं इफायरा हाइड्रोट्यूबा जो होता है उसको हम कहते हैं सेफोस्टोमा और कुछ एफीरा लारवा होता है ये प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम असैफोस्टोमा लारवा बाइफिनोबिन ऑफ स्टीरोबलाइजेशन हाइड्रोजोन्स वाटर एनिमल्स होते हैं साइफोजोन्स कप एनिमल्स होते हैं एंथोजोन्स फ्लोर एनिमल्स होते हैं हाइड्रोजो पोलिप्स इन मेडोसा बहुत आर प्रेजेंट होते हैं साइफोजोआली मेडोसा आर फाउंडोआली पोलिंडल्स आर मेनली फाउंड बाई मेबर्स ऑफ एंथोजोरल्स किसके मेंबर्स है एंथोजो मेम्बर्स जो होते हैं वहां से प्रेजेंट होते हैं फार्म होते हैं सिकेल्टन की बात करें इंडिजुअल की कोरल एनिमल्स नोन एज कोरोन ऑफ कोरोनिज नोन एज कोरोलियम गैसटोजाइड्स जो होते हैं न्यूट्रिटिव निमेटोफोर्स फ्लोटिंग डेटोलोजो प्रोटेक्टिव गोनोजाइड्स रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एंड आर पोलिपाइड फॉर्म्स ये सब पोलिपाइड्स होते हैं फायलोजाइड जो होते हैं ये प्रोडक्टिव होते हैं नेक्टोफोर्स स्विमिंग गोनोफोर्स रिप्रोडक्टिव बाकी आप नीचे खुद वीडियो को रोकर आप देख सकते हैं क्या कुछ है ओके थैंक यू वेरी मच